एनसीईआरटी बुक्स फॉर क्लास सिक्स, बुक्स नेम अ पैक्ट विद द सन, चैप्टर फाइव तानसेन। तानसेन वॉज द होली चाइल्ड, ओनली चाइल्ड ऑफ हिज पेरेंट्स। तानसेन अपने माता पिता के एकलौती संतान थी। नाटी, शरारती बट टैलेंटेड, लेकिन कलाकार थे, गुणवान थे, टैलेंटेड। ही इमिटेड, वह नकल करना जानते थे। द कॉल्स ऑफ बर्ड्स, पक्षी की आवाज़ निकालना, पक्षी जैसी आवाज़ निकालना। एंड एनिमल, और जानवरों को परफेक्टली, अच्छी तरह से। वंस ही ट्राइड टू फ्राइटेंड अ ग्रुप ऑफ ट्रेवलर, एक बार उन्होंने प्रयास किया फ्राइटेंड, भयभीत करने का, ए ग्रुप ऑफ ट्रेवलर, एक यात्रियों के समूह को। बाय रोअरिंग लाइक ए टाइगर, दहाड़ते हुए एक बाघ की तरह। यू मे हैव हेयर्ड द नेम ऑफ तानसेन, तुमने तानसेन का नाम सुना हो। द ग्रेटेस्ट म्यूजिशियन ऑफ आवर कंट्री, महान संगीतज्ञ हमारे देश के। द ग्रेटेस्ट म्यूजिशियन आवर कंट्री हैज प्रोड्यूस्ड, महान संगीतकार हमारे देश ने उत्पन्न किया। अ सिंगर कॉल्ड मुकानंद मिश्रा एंड हिज वाइफ, एक गायक थे जिनका नाम मुकानंद मिश्रा था और उनकी पत्नी, लिव्ड इन ए बेहाट नियर ए ग्वालियर, वहाँ जो है ग्वालियर के पास में एक जगह थी जिसका नाम था बेहाट, वहाँ रहते थे। तानसेन वॉज देयर ओनली चाइल्ड, तानसेन उनकी इकलौती संतान थी। इट इज सैड, ऐसा कहा जाता है, दैट कि ही वॉज ए नाटी चाइल्ड, वहाँ एक शरारती लड़के थे, बच्चे थे। ऑफ्टन ही रन अवे टू प्ले इन द फॉरेस्ट, अक्सर वह भाग कर जंगल में जाते थे खेलने के लिए। एंड सून, और जल्दी ही, लर्न सीख गए टू इमिटेट, नकल करना, परफेक्टली, अच्छी तरह से। द कॉल्स ऑफ बर्ड्स एंड एनिमल, पक्षियों और जानवरों की आवाज़ निकालना वो बहुत जल्दी सीख गए। अ फेमस सिंगर नेम्ड स्वामी हरिदास, एक बहुत ही प्रसिद्ध गायक थे जिनका नाम स्वामी हरिदास था। वाज वंस ट्रेवलिंग, एक बार वह यात्रा कर रहे थे थ्रू द फॉरेस्ट, जंगल से, विथ हिज डिसाइपल्स, अपने शिष्यों के साथ, डिसाइपल्स शिष्य। टायर्ड द ग्रुप सेटल डाउन टू रेस्ट इन सैडी ग्रोव, थका हुआ शिष्यों का जो समूह था वहाँ एक छायादार वृक्ष के नीचे आराम करने के लिए रुक गए। तानसेन साधन, तानसेन ने उनको देखा। स्ट्रेंजर्स इन फॉरेस्ट, अजनबियों को जंगल में। ही सैड टू हिमसेल्फ, उन्होंने अपने आप से कहा, इट विल बी फन टू फ्राइटेन देम, इसमें बहुत अच्छा होगा, आनंद आएगा, फन माने आनंद, मजा आएगा, फ्राइटेन देम, उनको भयभीत किया जाए। ही हाइड बिहाइंड ए ट्री, वह एक वृक्ष के पीछे छुप गए। एंड रोअर्ड, और दहाड़ने लगे लाइक ए टाइगर, एक बाघ की तरह। द लिटिल ग्रुप ऑफ ट्रेवलर स्कैटर्ड इन फेयर, बट स्वामी हरिदास कॉल्ड देम टुगेदर, छोटा जो समूह था यात्रियों का वह स्कैटर्ड, बिखर गया इन फेयर, भय में। बट स्वामी, लेकिन स्वामी हरिदास कॉल्ड देम टुगेदर, उन सबको एक साथ बुलाया। डोंट बी अफेयर्ड, डरने की जरूरत नहीं है। ही सैड, उन्होंने कहा, टाइगर आर नॉट ऑलवेज डेंजरस, बाघ हमेशा खतरनाक नहीं होता। लेट अस लुक फॉर दिस वन, आओ हम देखते हैं यह कौन है। सडनली, अचानक, वन ऑफ हिज मैन सा ए स्मॉल बॉय हाइडिंग बिहाइंड ए ट्री, अचानक उनमें से एक ने देखा एक छोटा बच्चा छुपा हुआ था एक वृक्ष के पीछे। देर आर नो टाइगर्स हियर मास्टर, ही सैड, उसने कहा, स्वामी यहाँ पर कोई बाघ नहीं है, ओनली दिस नाटी बॉय, केवल यह शरारती लड़का है। तानसेन लर्नड म्यूजिक फ्रॉम स्वामी हरिदास फॉर 11 ईयर, तानसेन ने संगीत को सीखा स्वामी हरिदास से 11 सालों तक। ही स्टेड विथ ए होली मैन कॉल्ड मोहम्मद घोष, वह जो है एक पवित्र आदमी था, उसके साथ वह रहते थे जिसका नाम था मोहम्मद घोष। ही मैरिड हुसैन, वन ऑफ द लेडीज इन द कोर्ट ऑफ द रानी मृगनयनी, उन्होंने हुसैन नाम की एक लड़की से विवाह किया जो मृगनयनी के दरबार, रानी मृगनयनी के दरबार की रहने वाली थी।
स्वामी हरिदास डिड नॉट पनिश हिम। स्वामी हरिदास ने उस लड़की को पनिश दंड नहीं दिया। ही वेंट टू तानसेन्स फादर्स एंड सेड। वे तानसेन के पिता के पास गए और कहा, योर सन इज ए वेरी नाटी, आपका पुत्र बहुत शरारती है, ही इज ऑल्सो वेरी टैलेंटेड, वह और अधिक टैलेंटेड है, अर्थात गुणवान भी है। आई थिंक आई कैन मेक हिम ए गुड सिंगर, मैं विचार करता हूँ कि मैं इसे बना सकता हूँ एक अच्छा गायक। तानसेन वॉज 10 ईयर्स ओल्ड। तानसेन 10 साल के थे व्हेन ही वेंट अवे विद द स्वामी हरिदास, जब वह स्वामी हरिदास के साथ चले गए। ही लिव्ड विद हिम फॉर 11 ईयर। तानसेन 11 सालों तक वह रहे उनके साथ, स्वामी हरिदास के साथ। लर्निंग म्यूजिक, संगीत को सीखा। एंड बिकम ए ग्रेट सिंगर, और एक महान गायक बने। एट अबाउट दिस टाइम, और इस समय तक हिज पेरेंट्स डाइड, उनके माता पिता मर चुके थे। मुकुंद मिश्राज डाइंग विश वॉज दैट तानसेन शुड बी बेजिट मोहम्मद घोष ऑफ ग्वालियर। मुकुंद मिश्रा मरते समय उनकी इच्छा थी कि तानसेन जो है, तानसेन को जाना चाहिए एक बार मोहम्मद घोष के दरबार में ग्वालियर में। मोहम्मद घोष वाज ए होली मैन। मोहम्मद घोष एक बहुत अच्छा आदमी था। तानसेन के जो पिता थे मुकानंद मिश्रा, मरते समय उनकी इच्छा थी कि तानसेन को एक बार जो है मिलने के लिए मोहम्मद घोष से ग्वालियर में जाना चाहिए। मोहम्मद घोष एक बहुत ही अच्छा शुद्ध आदमी था। मुकानंद मिश्रा हैड लॉन्ग बीन डिवोटेड टू हिम। मुकानंद मिश्रा लंबे समय तक उसकी भक्ति करते थे या उसके प्रेम करते, श्रद्धा करते थे। एंड ऑफ्टन विजिटेड, और अक्सर उसके पास जाया करते थे। व्हाइल लिविंग इन ग्वालियर, जब वह ग्वालियर में रहते थे विद मोहम्मद घोष के साथ। तानसेन वाज ऑफ्टन टेकन टू द कोर्ट ऑफ रानी मृगनयनी। तानसेन अक्सर जाता था, ले जाया जाता था द कोर्ट, दरबार में ऑफ रानी मृगनयनी की। हु वाज ए ग्रेट म्यूजिशियन हरसेल्फ, वह स्वयं एक जो है बहुत बड़ी संगीतज्ञ थी। देयर ही मेट एंड मैरिड वन ऑफ द लेडीज ऑफ द कोर्ट, वहाँ पर एक लेडीज औरत से मिले तानसेन कोर्ट दरबार में। हर नेम वाज हुसैनी, जिससे उन्होंने विवाह किया। हुसैनी आल्सो बिकम स्वामी हरिदास डिसाइपल्स। हुसैनी जो है आल्सो माने भी बिकम हो गई स्वामी हरिदास की डिसाइपल्स, शिष्य। हुसैनी भी स्वामी हरिदास की शिष्या थी। तानसेन आल्सो हुसैनी हैड 5 चिल्ड्रन। तानसेन एंड हुसैनी के 5 पुत्र हुए। हु वेयर ऑल वेरी म्यूजिशियन, वे सभी जो है संगीतकार थे, म्यूजिकल्स। तानसेन हैड बाय दिस टाइम, तानसेन इस समय तक बिकम वेरी फेमस, बहुत प्रसिद्ध हो गया था। समटाइम्स कभी कभी ही संग बिफोर एम्परर अकबर, कभी कभी वह सम्राट अकबर के सामने गाया करता था। हु वाज सो इम्प्रेस्ड बाय हिम, वो सम्राट उसे बहुत अधिक प्रभावित होते थे। दैट ही इंस्टेड तानसेन शुड ज्वाइन हिज कोर्ट, और उन्होंने इंस्टेड किया अर्थात जोर दिया कि तानसेन को सम्राट अकबर के दरबार में रहना चाहिए, ऐसा सम्राट अकबर ने तानसेन से कहा। तानसेन बिकम ए फेवरेट इन अकबर कोर्ट। तानसेन जो है बहुत जल्दी प्रसिद्ध हो गया अकबर के दरबार में। वंस ही वाज आस्क्ड टू सिंग राग दीपक, एक बार उसे कहा गया राग दीपक गाने के लिए। तानसेन आस्क्ड हिज डॉटर, तानसेन ने अपनी पुत्री से कहा, पूछा, एंड हर फ्रेंड, और उसके मित्रों से, टू सिंग रागा को गाने के लिए। मेघा आफ्टर रागा दीपक टू काउंटर द इफेक्ट ऑफ द लेटर, और रागा को गाया जाए और मेघा को आफ्टर में गाया जाए दीपक कंट्रैक्टेड, अर्थात दीपक के जलने के बाद, द इफेक्ट ऑफ द लेटर, जो उसका प्रभाव होगा राग का। तानसेन वेंट टू अकबर कोर्ट 1556। तानसेन अकबर के दरबार में 1556 में गए थे। एंड सून, जल्दी ही, बिकम ए ग्रेट फेवरेट, बहुत ही प्रसिद्ध जो है एम्परार के हो गए। अकबर उड़काल अपान तानसेन टू सिंग एट एनी टाइम ड्यूरिंग द डे और नाइट। तानसेन को कभी भी अकबर अपने पास बुला लेता था दिन या रात्रि में गाने के लिए। क्वाइट ऑफ्टन अक्सर ही वुड जस्ट वॉक इनटू तानसेन हाउस हियर हिम प्रैक्टिस, और कभी कभी वह स्वयं जो है तानसेन के घर की तरफ निकल पड़ता था उनके अभ्यास को सुनने के लिए। ही आल्सो गिव हिम मैनी प्रेजेंट, उसने सम्राट अकबर ने बहुत सारे उपहार को दिया तानसेन को। सम ऑफ द कोर्टियर बिकम ज्वेलियस ऑफ तानसेन, उसमें से कुछ दरबारी जो थे दरबार के
वह जो है जेलियस ईर्ष्या करने लगे तानसेन से, वी शैल नेवर बी एबल टू रेस्ट टिल तानसेन इज रुइंड। हम लोग तब तक चैन से नहीं रह सकते हैं जब तक कि तानसेन इज रुइंड बर्बाद नहीं हो जाए। दे डिक्लेयर, उन्होंने निर्णय किया, वन ऑफ द कोर्टियर एक दरबारी ने, शौकत मैन जिसका नाम शौकत मियाँ था, हैड ए ब्राइट आइडिया, उसके पास एक अच्छा विचार था। लेट अस मेक हिम सिंगरागा दीपक ही सेड, उसने कहा कि आओ हम लोग कहते हैं तानसेन से कि वह रागा दीपक को गाए। हाउ विल दैट हेल्प अस, आस्क अनदर मैन, दूसरे आदमी ने पूछा यह हमारी सहायता कैसे करेगा। इफ रागा दीपक इज ए प्रॉपरली संग, अगर प्रॉपरली माने अच्छी तरह से संग गाया जाता है रागा दीपक, इट मेक्स द एयर सो हॉट, इससे हवा बहुत गर्म हो जाती है, दैट द सिंगर इज बर्नड टू एसेज, और गायक स्वयं उसमें जलकर राख हो जाता है। तानसेन इज ए वेरी गुड सिंगर, तानसेन बहुत अच्छा गायक है। इफ ही सिंग्स रागा दीपक, अगर वह राग दीपक को गाता, ही विल डाई, वह मर जाएगा। एंड वी विल बी राइड अप हिम, और हम उस पर सवारी कर लेंगे, अर्थात हम अपना कार्य सिद्ध कर लेंगे। शौकत मियाँ वेंट टू अकबर एंड सेड, शौकत मियाँ अकबर के पास गए और कहा, वी डोंट थिंक तानसेन इज ए ग्रेट सिंगर, हम नहीं सोचते हैं या विचारते हैं कि तानसेन जो है बहुत अच्छा बहुत बड़ा गायक है। लेट अस टेस्ट हिम, आइए हम उनका परीक्षण करते हैं। टेल हिम टू सिंग राग दीपक, उनसे कहते हैं कि वह राग दीपक को गाएं। ओनली द ग्रेटेस्ट सिंगर कैन सिंग इट्स प्रॉपरली, केवल एक अच्छा महान गायक ही इसको अच्छी तरह से गा सकता है, राग दीपक को अच्छी तरह से गा सकता है, इट प्रॉपरली, ठीक ढंग से। ऑफ कोर्स ही कैन सिंग इट, तानसेन कैन सिंग एनीथिंग, तानसेन कुछ भी गा सकता है, अकबर ने कहा, निसंदेह वह गा सकता है। तानसेन वाज अफेयर्ड, तानसेन भयभीत हो गए, बट कुड नॉट डिसोबे, लेकिन उन्होंने डिसोबे नहीं किया, आज्ञा को उल्लंघन नहीं किया। द किंग, राजा के, वेरी वेल, बहुत अच्छा, माई लॉर्ड, मेरे स्वामी, ही सैड, उन्होंने कहा, बट, लेकिन, गिव मी टाइम, मुझे समय दीजिए, प्रिपेयर माई सेल्फ, अपने आप को तैयार करने का। तानसेन वेंट होम, तानसेन अपने घर गए, ही हैड नेवर बीन मोर डाउनकास्ट एंड हैप्पी, वह इतने अधिक कभी अपने आप को अप्रसन्न और अपमानित महसूस नहीं किए। आई कैन सिंग द रागा, जब मैं रागा सिंह गाऊंगा, जब मैं राग को गाऊंगा, ही टोल्ड हिज वाइफ, अपनी पत्नी से कहा, बट दैट इट गिव्स ऑफ विल नॉट ओनली सेट द लैम्प अलाइट, इट विल आल्सो बर्न मी टू एशेज, इससे केवल दीपक नहीं जलेगा, यद्यपि इससे मैं भी पूरी तरह से जलकर राख हो जाऊंगा। देन ही हैड एन आइडिया, फिर उनके पास एक विचार आया, इफ समवन सिंग्स रागा मेघा एट द सेम टाइम, अगर उसी समय कोई राग मेघा को गाएगा एंड सिंग इट्स प्रॉपरली, और अच्छी तरह से गाएगा, इट विल बी ब्रिंग रैन, यह बारिश को लाएगा। परहेप्स आवर डॉटर सरस्वती एंड हर फ्रेंड्स रूपवती कुड डू इट, शायद हमारी पुत्री सरस्वती और उसकी मित्र सखी रूपवती इसको अच्छी तरह से गा सकती, ही सैड, उन्होंने कहा। ही टॉट द टू गर्ल, उन्होंने दो लड़कियों को सिखाया, पढ़ाया, टू द सिंग रागा मेघा, राग मेघा को गाने के लिए। द प्रैक्टिस्ड नाइट एंड डे फॉर टू वीक, प्रैक्टिस अभ्यास जो रात और दिन चला दो सप्ताह तक। तानसेन टोल्ड देम, तानसेन ने उनसे कहा, यू मस्ट वेट टिल द लैम्प स्टार्ट बर्निंग, तुम लोग तब तक इंतजार करना जब तक दीपक नहीं जल जाता, एंड देन यू स्टार्ट सिंगिंग, और फिर तुम लोग जो है सिंगिंग शुरू कर देना, गाना स्टार्ट कर देना। बोथ रागा वेयर संग अकॉर्डिंग टू प्लान, दोनों रागों को जो है अकॉर्डिंग टू प्लान योजना के अनुसार गाया गया। अकबर पनिश्ड तानसेन एनिमी, अकबर ने जो है दंड दिया तानसेन के शत्रु को। तानसेन डाइड इन 1585, तानसेन 1585 में मृत्यु हो गई। तानसेन लेजेंड गोज दैट ऑन द अपॉइंटेड डे द होल टाउन असेंबल टू हेयर तानसेन सिंग रागदीप, तानसेन की जो प्रतिष्ठा थी वह जो है फैली हुई थी चारों तरफ, अपॉइंटेड डे वो जो है उस दिन जो है निश्चित किया गया, होल टाउन पूरे जो है नगर को असेंबल सभा का टू हेयर, सुनने के लिए तानसेन सिंह रागा, तानसेन सिंह जो गाने के लिए, दीपक राग गाने के लिए उनकी जो महानतम गाने की जो कृति थी दीपक राग को, उसको सुनने के लिए सभा बुलाई गई जिस दिन था उस दिन। When he began to sing, जब उन्होंने गाना प्रारंभ किया, the air become warm, हवा गर्म हो गई, soon, जल्दी ही people in the audience, लोगों के बीच के जो ऑडियंस थे, श्रोता थे, वेयर द बाथड इन प्रेस्पिरेशन, जल्दी ही जो है जितने भी श्रोता थे वो प्रेस्पिरेशन अर्थात पसीने से भीग गए, प्रेस्पिरेशन वन पसीना। देयर लिप्स ऑन द ट्री,
और जो वृक्ष की पत्तियां थी ड्राइड सूखने लगी अप एंड फेल टू द ग्राउंड, ऊपर सूखने लगी और सूखकर नीचे जमीन पर गिरने लगी। एज द म्यूजिक कंटिन्यू, जैसा कि संगीत लगातार चलता रहा, बर्ड्स फेल डेड, पक्षी जो है मरकर गिरने लगे। बिकॉज क्योंकि ऑफ द हीट गर्मी एंड द वाटर इन द रिवर बिगेन, और नदी का पानी जो है प्रारंभ हो गया बॉयल उबलना। पीपल क्राइड आउट इन टेरर, लोग जो है भय से चिल्लाने लगे। एज फ्लेम शॉट अप आउट द नाउ हेयर एंड लाइटेड द लैम्प, जैसे ही पास में रखा हुआ दीपक जल गया। एट वंस तत्काल सरस्वती एंड रूपवती बिगेन टू सिंग राग मेघा, तत्काल सरस्वती और रूपवती ने बिगेन कर दिया, प्रारंभ कर दिया राग मेघा को गाना। द स्काई क्लाउडेड ओवर एंड द रन कम डाउन, आकाश जो है चारों तरफ बादलों से घिर गया और बारिश प्रारंभ हो गई। तानसेन वाज सेफ, तानसेन बच गया। द स्टोरी गोज दैट ही वाज वेरी इल आफ्टर दिस, कहानी कहती है कि इसके बाद वह बहुत बीमार हो गए। दिस एंड अकबर वाज सॉरी, अकबर को इसके लिए बहुत दुख था। दैट ही हैड कॉज्ड हिम सो मच सफरिंग, जिसके अकबर को इसलिए बहुत दुख था कि उसके कारण जो है बहुत अधिक कष्ट उठाना पड़ा, तानसेन को दुख उठाना पड़ा। ही पनिश्ड तानसेन एनिमी, उन्होंने तानसेन के शत्रुओं को दंड दिया। व्हेन तानसेन गॉट वेल, जब तानसेन अच्छे हो गए, द एंटायर सिटी रिजॉइस, सारा शहर जो है आनंदित हुआ। तानसेन रेमेंड अकबर कोर्ट सिंगर, तानसेन अकबर के दरबार के गायक बने रहे टिल 1585, 1885 तक। व्हेन ही डाइड, जब उनकी मृत्यु हुई, ही कंपोज सेवरल न्यू रागाज, उन्होंने बहुत सारे कई नए रागों को कंपोज किया, तैयार किया। तानसेन टॉम्ब्स इन ग्वालियर, तानसेन का जो समाधि है टॉम्ब है ग्वालियर में। इट इज ए प्लेस ऑफ पिलग्रिमेज, यह एक ऐसा स्थान जो तीर्थस्थान है, पिलग्रिमेज में तीर्थस्थान है फॉर द म्यूजिशियन, संगीतकारों के लिए। दैट इज द होल स्टोरीज एंड।